हेलो स्टूडेंट्स, सो आपने पहले कर लिया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, पढ़ लिया था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। अब आज अपने करेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में। देखो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम मतलब ये नियम दिया हुआ है कि जब दो बिंदुओं के बीच में कोई बल लगता है तो उनकी दूरी वगैरह कैसे सब अपने नापी जाती है या कैसे उसको अपने लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। ये बात अपने पहले कर चुके हैं कि कोई भी पिंड है, चाहे वो उनके आपस में जो है आकर्षण बल लगता है, तो जो दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो क्या होता है, दो पिंडों के गुणनफल, दो पिंडों के द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या मान लिए अपने, M1 M2 मान लो। ठीक है, तो दोनों पिंडों के गुणनफल मतलब दोनों के बीच क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, और उनके समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी के क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। अब देखो कैसे, यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। सबसे पहले ये पिंड देख लो, देखो दो पिंड दिए हुए हैं अपने को, एक ए पिंड रहा और ये रहा बी पिंड। ये रही दोनों के बीच की दूरी, दूरी को किससे ले लिया अपनों ने, डी से ले लिया। ठीक है, और इसका अपने ने द्रव्यमान मान लिया एम पिंड का एम, कैपिटल एम, और जो अपना बी पिंड है उसका अपनों ने ले लिया स्मॉल एम द्रव्यमान। ठीक है, और बीच की दूरी क्या ले ली अपनों ने कि डी दूरी जो है अपनी बीच की है। अब देखो आगे क्या फॉर्मूला लग रहा है इसमें, इन्होंने क्या है कि जो बीच में लगने वाला जो बल है, ठीक है, वो किस किस के बराबर होता है। अभी अपनों ने पढ़ा कि जो दोनों अपने पास द्रव्यमान है इनके गुणनफल के समानुपाती, और जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो यहाँ पे दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, स्क्वेयर लग रही है, मतलब क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। सिंपल सी बात समझ आ गई। और जी यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपने, गुरुत्वीय नीतांक ले रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, तो कैपिटल एम स्मॉल एम का आपस में गुना और डी स्क्वेयर अपॉन में आ गया। मतलब क्या है इसका, कि डी स्क्वेयर क्या है, जो फोर्स लग रहा है उसके बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, अब देखो लगेगा दोनों एक ही दिशा में, देखो इस दिशा में ये लग रहा है और इस दिशा में ये लग रहा है। अब आगे देखो, ये ना आइजक न्यूटन का बीच में दिया हुआ है, अगर आपको ये पढ़ना हो तो देख लेना, इनकी जो है पूरी जीवनी दी हुई है। अपने आगे देखते हैं, देखो ये रहा यहाँ से। अब अपने जो डायग्राम दिया हुआ था उस डायग्राम के बारे में समझाया हुआ है कि मान लीजिए एम, कैपिटल एम तथा स्मॉल एम द्रव्यमान के दो पिंड हैं। दो पिंड कौन कौन से हैं, ए तथा बी हैं। एक दूसरे की कितनी दूरी पर स्थित हैं, डी दूरी पर स्थित हैं, अभी अपनों ने देखा। ठीक है, मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल एफ है। कौन सा आकर्षण बल काम कर रहा है, एफ बल काम कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो एफ अपनों ने मान लिया कि एफ बल जो अप्लाई हो रहा है किसके समानुपाती होगा, दोनों द्रव्यमान जो हैं दोनों पिंडों के उनके गुणनफल के। तो पहले ए पिंड का क्या था, कैपिटल एम द्रव्यमान था, और बी पिंड का अपने क्या ले रहे थे, स्मॉल एम अपने उसका द्रव्यमान ले रहे थे। तो दोनों के गुणनफल के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अब आगे देखो उन्होंने कहा, तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो कैसे, फोर्स जो है, बल जो है, देखो ये रहा बल अपने पास, बल किसके जो है समानुपाती होगा, 1/d² दूरी का क्या कर रहे हैं अपने, वर्ग कर रहे हैं, दूरी का वर्ग कर दिया, लेकिन 1/d लगा दिया। मतलब ये क्या है, बिल्कुल इसके समानुपाती नहीं है, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती दिखा रहा है कि जैसे जैसे जो है दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे दूरी कम होगी बल का मान बढ़ता जाएगा, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत चलेंगे। अब आगे देखो इन्होंने कैसे इसको पूरे डेरिवेशन को लिखा है। देखो एफ समानुपाती, दोनों जो समीकरण हैं अपने पास दोनों को मिक्स करके लिख दिया, और जैसे ही ये समानुपाती का निशान हटाया अपने पास एक अपनों ने जी लगा दिया। जी क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, अनुपातिक स्थिरांक है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। अब देखो ये दोनों समीकरणें तो पता लग गया आपको कैसे आई हैं। अब उसके बाद ना अपने पास गुरुत्वीय जो नीतांक है या स्थिरांक है, इसका मान ज्ञात करने का फॉर्मूला वैसे ही सिंपल आप याद रख सकते हो, लेकिन आप देख लो कैसे आया है ये। अपने पास ये जो समीकरण है, ठीक है, ये वाली समीकरण, इसको आप इसको डी को इस साइड गुणा कर दो, वज्रगुणन कर दो, एफ कहाँ आ गया, डी की स्क्वेयर की साइड आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अब आगे देखो जी का मान अपनों ने निकाल लिया, तो कैपिटल एम और स्मॉल एम इधर किस में है, गुना में है, दूसरी साइड किस में जाएंगे, भाग में। तो जी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, एफ डी स्क्वेयर अपॉन में कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम।
अब ये जो समीकरण है इसमें बल, दूरी तथा द्रव्यमान के मानक प्रतिस्थापित करने पर हम जी के एसआई मात्रक प्राप्त होंगे। देखो गुरुत्व अपने पास जो स्थिरांक है, ठीक है, इसका अपने क्या निकाल रहे हैं, अपने इसका मात्रक निकाल रहे हैं, इसकी यूनिट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे एफ डी और जो अपने द्रव्यमान है इनका अगर अपने मान रखेंगे तो अपने पास जो इसका मात्रक प्राप्त होगा वो क्या होगा, नैनोमीटर स्क्वेयर प्रति किलोग्राम स्क्वेयर, नैनोमीटर स्क्वेयर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्रति किलोग्राम स्क्वेयर, ठीक है। ये माइनस लगाओ मतलब ये कहाँ पे है, ये संख्या इसके बिल्कुल नीचे आएगी। अब देखो आगे हेनरी कैवेंडिश ने क्या बोला है, 1731 से 1810 के बीच का इनका राय ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया। देखो वैसे तो अपने पास अगर द्रव्यमान बल और इन सब का मान हो दूरी का तो अपने क्या कर सकते हैं, गुरुत्व अपने पास जो स्थिरांक है जी है इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक है हेनरी, इन्होंने क्या किया, एक तुला का प्रयोग किया, उससे क्या किया जी का मान ज्ञात किया। तो इन्होंने जी का मान कैसे ज्ञात किया, देखो इन्होंने जी का मान दे रखा है, जी का वर्तमान मान्य मान, कई बार क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसे याद रखना, 6.673 × 10^-11 नैनोमीटर स्क्वेयर प्रति किलोग्राम स्क्वेयर, इसका जी का अपने मान लेते हैं। इसको आपको डायरेक्ट इस मान को पूरे को याद रखना है। अब आगे देखते हैं अपने, इसमें आ गया कि हम जानते हैं, देखो मान याद हो गया यहाँ तक, कितना था 6.673 × 10^-11 नैनो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है, कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। आपने पीछे बात कर चुके हैं कि कोई भी पिंड है उनमें आकर्षण बल लगेगा ही लगेगा, अतः आप अपने तथा समीप बैठे मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अभिकलन कीजिए और निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते, इसको छोड़ो। अब देखो इन्होंने लिखा है कि यह भी, इसे भी जानने तो पढ़ लेते हैं एक बार, यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है। अपने कह रहे हैं ना कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, तो सार्वत्रिक का मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चाहे छोटा पिंड है चाहे बड़ा है ये सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वो क्या है, छोटी है बड़ी है, चाहे वो खगोलीय है या पार्थिव है। अब आगे देखो इन्होंने क्या किया है, व्युत्क्रम वर्ग, एफ जो है डी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, दूरी के क्या था, वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती था। इस कथन का अर्थ है कि यदि डी को अपने क्या कर दें, 6 गुना कर दें, तो एफ का मान क्या रह जाएगा, 36वां भाग रह जाएगा। देखो जैसे जैसे बताया था कि आपकी जो फोर्स है वो अपने बढ़ाएंगे तो दूरी क्या होगी, कम होनी चाहिए, अगर दूरी ज़्यादा है तो आपके बल का मान बिल्कुल कम लगेगा। अब नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या दिया है, देखो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व दिया हुआ है कि सार्वत्रिक नियम की क्या 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 इंपॉर्टेंस है। देखो सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबंध मानी जाती है, मतलब अपने कुछ ऐसी चीज़ों की ये बहुत अच्छे से व्याख्या कर देता है कि जिनको अभी वैसे नॉर्मल अपने नहीं समझ सकते। देखो सबसे पहला क्या है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, हमें पृथ्वी से बांध के रखता है। बांध के रखता है मतलब देखो अगर सिंपल सी बात है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो आप हवा में पूरा मतलब ऐसे उड़ने लग जाओगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अपने को अपने पैरों को अपने आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, तो अपने क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से एक टाइप से बंधे हुए हैं। उसके बाद देखो सेकंड उन्होंने क्या बोला है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, देखो पृथ्वी जो है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या कर रहा है, एक निश्चित दिशा में इस निश्चित वेग से गति कर रहा है। अगर ये बल ना होगा तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा जो है बिल्कुल एक सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य है, सूर्य के जैसे मान लो ये सूर्य है, इसके चारों ओर भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो किसके कारण लगा रहे हैं, इसी बल के कारण लगा रहे हैं। उसके बाद चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वारभाटा, देखो क्या होता है कि जब सूर्य या चंद्रमा जो है पृथ्वी के थोड़ा नज़दीक आते हैं ना, जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है और ये सूर्य या चंद्रमा ये थोड़ा नज़दीक आते हैं ना जैसे, तो जो अपने समुंदर है ना उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठने लग जाती हैं। क्या होता है, चंद्रमा या सूरज है वो अपने मतलब बल से उनको आकर्षित करते हैं, तो ऊंची ऊंची वो लहरें जो उठती हैं उनको क्या कहा जाता है, ज्वारभाटा। तो ये अपने 4 पॉइंट थे जिनको अपने किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से अपने इसको अच्छे से बता सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बात की है मुक्त पतन की। सबसे पहले जानते हैं कि मुक्त पतन होता क्या है, इन्होंने क्रियाकलाप दे रखा है, देखो
यहाँ पे उनका है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब तक अपनों ने पढ़ा है कि क्या कर रही है पृथ्वी, सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसलिए सभी वस्तुएं क्या हैं इसकी ओर गिरती हैं। तो अब देखो पृथ्वी किसे आकर्षण बल को अपनों ने क्या कहा, गुरुत्व या बल कहा, या गुरुत्व आकर्षण बल कह रहे थे। अब देखो जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं तो हम इसे कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। देखो कोई भी ये वस्तु है इसको अपने ऊपर से छोड़ती है, ये इस तरह से नीचे आएगी तो अपने क्या कहेंगे कि ये वस्तु किस में है, मुक्त पतन में है। मतलब इस पर सिंपल ठीक है, क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है, ये अपने आगे पढ़ेंगे। गिरते समय वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता नहीं होता। देखो सबसे पहले क्या है, कोई भी वस्तु गिर रही है ऊपर से, इसकी पहली बात तो इसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा ये अपने यहाँ ऊपर से इसको छोड़ा है, यहाँ नीचे की तरफ तो नीचे ही आएगी, कोई यूं तो है नहीं कि यहाँ इतनी दूर आई और यहाँ से जाने के बाद इस तरफ निकल गई, या इतनी दूर आई तो फिर वापस ऊपर की ओर चली गई, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा ही है कि जब अगर ऊपर से अपने किस चीज़ को फेंक रहे हैं तो वो क्या जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, हम आगे देखो, गिरते समय वस्तुओं की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। देखो वेग में जब भी कोई परिमाण त्वरण को उत्पन्न करता है, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। देखो वस्तुओं में अगर वेग उत्पन्न होगा तो त्वरण ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, तो ये त्वरण किसके कारण होता है, गुरुत्व बल के कारण होता है। मतलब ऊपर से गिरा रहे हैं उसको आकर्षित कर रही है तो है वेग, कुछ ना कुछ उस वस्तु का वेग होगा तो क्या होगा, त्वरण उत्पन्न अपने आप हो जाएगा। इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक सिंपल त्वरण है उसको किससे लिखते थे, अपने ए से लिखते थे, तो इसको अपने क्या लिखेंगे, स्मॉल जी से लिखेंगे। जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको स्मॉल जी से, और कैपिटल जी अपने था एक, वो क्या था, वो था अपना गुरुत्वीय स्थिरांक। तो ये दो चीज़ें याद रखना कि जो स्मॉल जी है वो किसके लिए, गुरुत्वीय त्वरण के लिए, और जो कैपिटल जी है वो अपना गुरुत्वीय स्थिरांक के लिए। तो इसे जी से निर्दिष्ट करते हैं, जी का मात्रक वही है जो त्वरण का मात्रक होता है। देखो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वेयर, वही किसका होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होगा। अब देखो गति के दूसरे नियम से हम ये ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल होता है, कि बल जो है एफ इज इक्वल टू अपने क्या लिखते थे, एम ए लिखते थे, द्रव्यमान आ गया और यहाँ क्या आ गया, त्वरण, दोनों के गुणनफल क्या होता था अपने पास, बल होता था। तो मान लीजिए कि इस क्रियाकलाप जो अपने दिया हो इसमें पत्थर, एक देखो पत्थर घुमा रहा था पकड़ के, तो उसमें पत्थर का द्रव्यमान कितना ले लिया, अपनों ने एम ले लिया। हम जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं में जो गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है, तो इसे अपने क्या लिखेंगे, देखो इसे किससे लिखेंगे, जी से लिखेंगे। तो इस गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या हो गया, एफ, द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। देखो F इज इक्वल टू एम ए होता था अपने पास, ए की जगह अपने पास क्या आ गया, जी आ गया, क्योंकि यहाँ पे अपने त्वरण कौन सा ले रहे हैं, सिंपल त्वरण नहीं ले रहे, यहाँ पे अपने क्या ले रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण ले रहे हैं। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, एम जी, ये अपने पास एक समीकरण प्राप्त हो गई। अब देखो इन समीकरणों से अपने एक पहले जो अपने समीकरण की थी वो यहाँ क्या था, F बराबर क्या था, जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन में डी की स्क्वायर। तो यहाँ पे अपनों ने क्या कर दिया, F का मान रख दिया इस समीकरण से, क्या है, F बराबर एम जी है, तो यहाँ एम जी रख दिया। यहाँ देखो जी m से क्या हो गया, m कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, जी बराबर जी एम डी स्क्वायर अपने पास, जी एम एम वन में डी स्क्वायर अपने पास एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब यहाँ देखो जहाँ पर m पृथ्वी का द्रव्यमान, m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, डी वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, ये जो नीचे डी दिया हुआ है ये किसकी दूरी है, वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी है, और जी अपने को पता ही यहाँ भी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और जो कैपिटल जी है ये अपने पास है गुरुत्वीय स्थिरांक। अब देखो जहाँ मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है, मतलब अपने पास ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे अपने मान लो खुद ही बैठे हैं इसकी सतह पे, मान लो खुद ही बैठे हैं, तो पृथ्वी में, तो इस समीकरण में डी पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर, तो अपने कहाँ से बल लगता है, अपने बात की थी कि केंद्र से बल लगता है, तो केंद्र से अपने जो दूरी होगी ये क्या होगी, पहली बात तो ये त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या ही अपनी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, और दूरी इसको अपने किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार पृथ्वी की सतह से समीप रखी वस्तुओं के लिए एम जी, यानी कि अपना गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, जी
एम, ये जो ऊपर अपनों ने समीकरण की थी देखो ये रही सेम, ये सेम कर रहे हैं अपने, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अपने क्या कर रहे हैं, आर स्क्वेयर रख रहे हैं, क्योंकि ये अपने पास पृथ्वी है, इसकी सतह पर बैठे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे अपने क्या लिख देंगे, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर के स्क्वायर। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, देखो पृथ्वी कोई गोला नहीं है, पृथ्वी क्या है, एक ओवल अंडाकार है। तो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत की ओर जाने पर बढ़ती है, त्रिज्या क्या रही, ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। देखो इस टाइप से ना, इस टाइप से अपने पास मान लो पृथ्वी है, गोलाकार नहीं है बिल्कुल, तो ये इसके क्या है, ध्रुव है, ये पहला ध्रुव आ गया, ये क्या आ गया, दूसरा ध्रुव। तो यहाँ से विषुवत से, यहाँ से जैसे जैसे अपने इस साइड बढ़ेंगे ना ध्रुवों की ओर, तो क्या होगी, अपने जो त्रिज्या है इसका मान निरंतर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि पृथ्वी गोला नहीं है, पृथ्वी अंडाकार है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होगा। तो जी जो ध्रुव है अपने पास, यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अधिकांशतः गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास जी के मान को लगभग स्थिर माना जाता है। हम आगे देखो, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय बल का त्वरण हम इस समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। देखो कौन सी थी अपने पास, 10.7 समीकरण, ये रही, इससे अपने जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गुरुत्वीय त्वरण, जो अपने जी है इसका मान किस तरह से अपने निकाल सकते हैं ये पढ़ेंगे।